हेलो स्टूडेंट, योला के मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम एलसीएम और एचसीएम को ख़त्म करेंगे। इससे पीछे हमने पांच पार्ट और एक बेसिक क्लास एलसीएम और एचसीएम का अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, चार घंटियाँ 6, 8, 10 एवं 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय के बाद एक साथ बजेगी? तो ध्यान दीजिए, जब भी कंडीशन रहेगा जलेगी, मिलेगी, चाहे बजेगी। एलसीएम और एचसीएम के सवाल में जब भी जलेगी, मिलेगी और बजेगी ऐसा कंडीशन लागू रहेगा ना, सवाल में जलेगी मतलब बत्तियां जलेगी, बजेगी मतलब घंटियां बजेगी, और मिलेंगी मतलब कि धावक दौड़ रहे होंगे ग्राउंड में, वो धावक सब मिलेंगे। अब देखिए इधर, तो जलेगी, मिलेगी, बजेगी का कंडीशन रहेगा तो सवाल में जो भी टाइमिंग रहेगा, बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं, जो भी समय दिया हुआ रहेगा सभी समय का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जलेगी, मिलेगी, बजेगी वाला कंडीशन जब भी आ जाएगा तो जितना भी समय रहेगा ना दिया हुआ, उस सभी समय का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। अब आइए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी समय का एलसीएम और कोई चीज का नहीं, समय का एलसीएम निकालेंगे। तो सुनिए इधर, जलेगी, मिलेगी, बजेगी का कंडीशन रहेगा तो सभी टाइमिंग का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो पहला सवाल है कि चार घंटियां 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे एक साथ अभी बजी हो तो एक साथ फिर कब बजेगी? आइए सुनिए इधर, तो 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो इसका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो बात को समझिए। यह हो गया, वैसे हम जानते हैं कि इसका एलसीएम 120 होगा, लेकिन आप तोड़ के बना सकते हैं इसे, 2 × 3, 2³ ये 2 × 5 और ये 12 है ना, तो 2 × 2 और 3 × 2, तो 2² = 4, 4 = 12। एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए और सबसे बड़ा बड़ा पावर बैठाइए। बताइए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए। 2 का सबसे बड़ा पावर हो गया 3, 3 का कोई पावर है क्या, नहीं है, तो छोड़ दीजिए। तो हम कहेंगे क्या कि 2³ = 8, 8³ = 24, 24² = 125, 120। तो कहेंगे क्या कि 120 सेकंड के अंतराल पर पुनः बजेगी, दोबारा बजेगी। तो 120 सेकंड कहिए या फिर 2 मिनट कहिए, 120 सेकंड कहिए या फिर 2 मिनट कहिए, दोनों सेम बात है। आगे बढ़ते हैं, आइए बात ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 3 घंटियां क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकंड के बाद पुनः बजती है। तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है तो बताएं कि कितने समय के बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी? तो जलेगी, मिलेगी, बजेगी का कंडीशन रहेगा ना, तो सभी समय जितना भी टाइमिंग दिया हुआ रहेगा सभी समय का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो सुनिए, 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.125 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो बताइए, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100, काटेंगे तो 1/4, ये हो गया, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में आ गया 10, यानी 1/10, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 1000। तो देखिए इसको काटेंगे तो 125 अठे होता है 1000, यानी 1/8। हम क्या करेंगे, 1/4, 1/10 और 1/8, इतना का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि भिन्न के रूप में, बटा के रूप में जब भी फ्रैक्शन में आपको एलसीएम सिर्फ निकालना होता है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 1, 1, 1 का एलसीएम जो है वो 1 ही रहेगा, और एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में छोटका को पकड़ते हैं ना, तो छोटा वैल्यू 4 है, तो 4 क्या 10 को काटेगा, नहीं काटेगा, 8 को काट देगा, 10 को नहीं काटेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 कर सकते हैं। अब बताइए 4 नहीं काटेगा तो 2 तो जरूर काट देगा सबको, 2 4 को भी काट देगा, 8 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा,
तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो गया 2, यानी एक बटा दो सेकेंड, तो 1/2 को हम 0.5 सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0.5 सेकेंड भी इसको हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए बाबू, अगला सवाल देखिएगा। दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 00 एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो कहेंगे क्या कि जलेगी मिलेगी बजेगी वाला कंडीशन पे ये आ रहा है, तो सभी समय का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, ठीक है। बोला गया कि यदि वे 8:20 00 पहली बार बदली हो तो पुनः अब अगली बार जो है से कितने बजे एक साथ बदलेगी, तो कहेंगे क्या कि इसका आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो सुनिए बात को समझिएगा। यहाँ पे ये 48 है ना, तो 2^4 16 तो यही 48 हो गया। ये 72 है, ये तो होता है 18^72 भी होता है और 9^72 होता है। तो सुनिए, तो 3^2 9, 2^3 तो 3^2 9 और 2^3 तो 9×8 हो गया 72। ये 108 है, ये 108 है, तो हम कहेंगे क्या, 108 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो 54 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, फिर ये 3 से लगाएंगे तो 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 होगा। इसका मतलब 2 होगा 2 और 3 होगा 3, यानी 27 × 4 होता है 108। इसका हम लॉसा निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो सभी बेस को लिखेंगे तो 2 लिख लीजिए, 3 लिखिए और कुछ नहीं है। 2 का सबसे बड़ा पावर जो है ना वो 4 है और 3 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 3 है, तो 3 का क्यूब होता है 27 और गुने 16। 27 में हम 16 से गुना करेंगे, देखिए तो 16 × 7 होता है, देखिए 27 में हम 16 से गुना कर रहे हैं, 27 में 16 से गुना कर रहे हैं, तो सुनिए 7×42 = 2 = 4, 6×12 = 4 = 16। इसको कीजिएगा तो 27×1 = 27 हो जाएगा, 2 हुआ, यहाँ पे हो गया 7×6 = 13 = 1, 3×1 = 4 = 432। तो आपका इसका एलसीएम जो आ गया ना, वो आ गया 432 सेकेंड। हमको तो आंसर टाइमिंग में देना है ना, तो क्या कीजिएगा आप बात को समझिए, 432 में आप 60 से भाग लगाइएगा। अगर 60 से भाग लगाइएगा तो जो इसका भागफल होगा ना ये आपका मिनट में आएगा, और जो शेषफल आएगा इसका बचेगा वो आपका सेकेंड कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60 से भाग देंगे इसमें तो 7 बार में लगेगा, तो 6×42 = 420, 7 बार में लगेगा तो 420 लग जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 12 बचेगा। तो हम कहेंगे क्या कि ये मिनट जो है वो 7 है और 12 जो आया है शेष वो क्या कहलाएगा आपका, सेकेंड कहलाएगा। 60 से हम भाग दिए, जो भागफल होगा वो मिनट कहलाएगा और जो शेषफल होगा वो आपका सेकेंड कहलाएगा। तो क्या कर दीजिए यहाँ पे, 8:20 पर पहली बार बदली थी तो अगली बार कितने बजे बदलेगी, तो क्या करेंगे, घंटा का चर्चा नहीं है इसमें, मिनट का चर्चा है, तो कहेंगे क्या कि 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद बदलेगी, तो इसमें हम जोड़ देते हैं 7 मिनट 12 सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:27 12 सेकेंड। इतना बजे जो है वो फिर से वहाँ पे जलेगी चाहे बदलेगी। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरम्भ की, उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए, तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिल पाएंगे। आइए
तो मिलेंगे, वही वाला बात हो गया आपका। तो हम कहेंगे क्या कि टाइमिंग है 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड, 450 सेकेंड। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, सुनिए एलसीएम निकालेंगे तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सब में 10 कॉमन है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 20 गुने 10, इसको लिख सकते हैं 30 गुने 10, इसको लिख सकते हैं 36 गुने 10, इसको लिख सकते हैं 45 गुने 10। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या करेंगे ना कि 10 हम बाहर ले लिए, जो भी मान आएगा उसमें हम 10 से गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। यानी आपको एलसीएम निकालना है केवल 20 का, केवल 30 का, केवल 36 का और केवल 45 का। तो 20 को हम करेंगे 2 के स्क्वायर 4, 4 5 20। 30 को हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। 36 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर और 45 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर गुने 5। अब बताइएगा हमको कि एलसीएम का रूल क्या है। एलसीएम का रूल है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। यानी कि 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए और कोई बेस नहीं है, और इसमें क्या करना है लास्ट में 10 से गुना करना है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे बात को समझिए, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 ही है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 3 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 ही है, 5 का कोई पावर नहीं है। आइए तो ये हो गया 9 चौक 36, 36 गुने 5 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, 36 गुने 5 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1800 सेकेंड। 1800 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, आइए अगला सवाल है। 3 आदमी 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ पर एक समान दिशा में एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। उसका गति क्रमशः 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब पहला व्यक्ति का चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा व्यक्ति का चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा व्यक्ति का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है क्या कि बताएं कि कितने समय बाद तीनों प्रस्थान बिंदु पर आपस में मिलेंगे। जलेगी मिलेगी बजेगी का कंडीशन पे आ रहा है, तो सभी टाइमिंग का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन क्या इस सवाल में टाइमिंग दिया हुआ है? नहीं, इस सवाल में दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से समय निकालेंगे। अब आइए, एक वृत्ताकार पथ है, तीनों धावक एक ही बिंदु से मान लीजिए इसी दिशा में चलना शुरू किया। पहला का व्यक्ति है उसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब है क्या कि ये दूरी जो है वो 11 किलोमीटर दूरी है, और यही दूरी को ये पहला व्यक्ति जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है और तीसरा व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है। तो कहने का मतलब है कि सवाल में हमको दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो समय निकाल सकते हैं। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो एक काम कीजिए, पहला का समय निकाल लीजिए। पहला व्यक्ति का समय हो जाएगा, टोटल दूरी है 11 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, कहेंगे क्या कि 11/4 घंटा। दूसरा व्यक्ति का टाइमिंग निकालेंगे, समय निकालेंगे हम लोग, तो क्या कहेंगे कि टोटल दूरी है 11 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा इधर, तो जैसा कि आपको पता है कि दशमलव हटेगा ना यहाँ से, तो ऊपर में एक जीरो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और 55 दूना होता है 110, तो इसका माना गया 2 घंटा। तीसरा व्यक्ति का यदि हम टाइमिंग निकालते हैं, समय निकालते हैं तीसरा का, तो कहेंगे क्या कि टोटल दूरी जो है वो 11 किलोमीटर है और टाइम लग ये चाल लगा है इसको, चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आपका समय आ गया 11/8 घंटा। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा कि टाइमिंग है पहलू का 4/11/4, 2/1 और 11/8। इसका हम लॉसा निकालेंगे तो एलसीएम जो होता है भिन्न वाला में वो निकलता है ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे,
ग्यारह दो ग्यारह का एलसीएम हो जाएगा 22। 22 वह संख्या है जो दो से भी कट जाएगी और ग्यारह से भी कटेगी, तो ऊपर वाला का एलसीएम हो गया 22 और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू एक है। क्या एक जो है चार को काटेगी? तो बिल्कुल काटेगी। एक ऐसी संख्या है वो किसी भी संख्या को उतना बार में काटेगी। चार को काटेगी चार बार में, आठ को काटेगी आठ बार में, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ एक। अच्छा बताइए बटा में एक रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? आपका आंसर हो जाएगा 22 घंटा। आपका आंसर हो जाएगा 22 घंटा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 एवं 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तदनुसार 36 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी? अब देखिए इधर दिया हुआ है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो बताना है कि 36 मिनट में कितनी बार बदलेगी। आइए इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये टाइमिंग का है, टाइमिंग दिया हुआ है तो समय का ही एलसीएम निकालते हैं। जलेगी मिलेगी बजेगी वाले कंडीशन में समय का ही एलसीएम निकालते हैं। तो समय का एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 रहेगा, ये 6 को हम 2×3 लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 को 2×3 लिख सकते हैं और 15 को 3×5 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो सभी बेस को लिखेंगे तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। अब 2 का सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 ही है और 3 का भी सबसे बड़ा पावर क्या है? तो 2 ही है। अब देखिए इधर, तो यहाँ पे हो गया 2×4, 4×9=36 और 36×5 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 180। 36×5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 180। तो कहने का मतलब क्या है कि 180 सेकेंड हो गया, 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड हुआ। आप जानते हैं कि मिनट में लाने के लिए 60 से भाग देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या? ये है 3 मिनट। कितना मिनट? 3 मिनट। कैसे समझ गए 3 मिनट? क्योंकि हम जानते हैं कि 60 सेकंड को हम बोलते हैं 1 मिनट, 120 सेकंड को 2 मिनट, उसी प्रकार से 180 सेकंड को बोलेंगे 3 मिनट। या फिर आप क्या कीजिए, 180 में डायरेक्ट 60 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह आ गया 3 मिनट के अंतराल पर क्या होता है? जल्दी होगी। तो बोला गया है क्या कि 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो हम क्या करेंगे, 36 मिनट है तो 36 में क्या कर दीजिएगा आप, 3 से भाग दीजिएगा और 1 अपना मन से जोड़िएगा, सेल्फ जोड़िएगा, सेल्फ 1 अपना मन से, 1 अपना मन से जोड़िएगा। यही तरीका समझना है आप लोग को कि 1 क्यों जोड़ते हैं। 1 हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पहलू का जो काम जो होता है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए लास्ट में जोड़ना पड़ेगा उसे। अभी पहले बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो 3 से काटेंगे तो 12, 12 और कितना हुआ, ये 13 हुआ। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर 13 हुआ। 13 बार कितना बार? 13 बार। 13 बार जलेगी। एक बात बताइए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 36 मिनट में 3 मिनट से भाग देंगे तो आपका तो परिणाम आना चाहिए था 12, अब 13 कैसे लाए? 13 इसलिए लाए, अगर मान ली सुनिए इधर, कोई भी टाइमिंग शुरू कब होता है? जब काम भी शुरू होता है तब टाइमिंग शुरू होता है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये एक बार, पहला बार ये जल गया, 3 मिनट होगा ना 3 मिनट, तो फिर ये दूसरा बार जलेगा, फिर इसके 3 मिनट होगा, फिर ये तीसरा बार जल जाएगा, फिर 3 मिनट होगा ना, फिर चौथा बार जल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए, 1, 2, 3, 4 बार जल गया, तो 4 बार जल गया और 3-3 मिनट पर जला, तो आपके हिसाब से तो होना चाहिए था 4×3=12, अरे 12 मिनट होना चाहिए था ना। यहाँ पे आप टाइम जोड़िए, टाइम है 3, 3, 6 और 3, 9, 9 मिनट में आपको 4 बार जल गया। इसीलिए क्या, देखिए टाइमिंग आपका 3 बार लिखा हुआ है जबकि जलने वाला जो बत्ती है वो आपका 4 बार जल गया। इसीलिए क्या करते हैं कि हमेशा पहलुका वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, तो पहलुका वाला को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हम लास्ट में क्या करते हैं कि 1 अपना मन से जोड़ते हैं। 1 इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि टाइमिंग जब लिखते हैं ना इसका तो 1 को छोड़ देते हैं, इसीलिए लास्ट में हम 1 जोड़ते हैं। हमेशा आप क्या कीजिएगा कि जब भी सवाल ऐसा आएगा ना, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो भाग दे करके अपना मन से 1 जोड़ दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए।
आइए बाबू अगला सवाल है। बोला गया है कि नापने की तीन छड़ क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एवं 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः मापा जा सकता है? तो क्या कहिए, देखिए दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी, सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके, कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा को पूर्णतः मापा जा सकता है? अब क्या कर दीजिए, बात को समझिए। इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालिए इतना का, एलसीएम निकालेंगे तो 64 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 हो गया 64। 80 को लिखेंगे 16 85 यानी कि 2 के पावर 4, 16 गुने 5 80। 96 को लिखेंगे, 96 को लिखेंगे हम लोग 24 चौका 96 हो सकता है, 32 या 96 होता है, देखिए इधर 32, तो 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5 गुने 3। अब बताइए एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिखिए, दोबारा किसी को नहीं लिखिए। तो 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 है इसमें तो 5 भी लिख लीजिए, 2 का सबसे बड़ा पावर 6 है तो 6 लिख लीजिए, 3 का सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, और 5 का भी पावर कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब बताइए ये 64 है गुने 3 गुने 5, मतलब हम 64 में क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे। 64 में क्या करेंगे हम लोग, 15 से गुना करेंगे। तो 64 में यदि आप 15 से गुना कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 960, 960। तो कहने का मतलब इसका एलसीएम हो गया 960 सेंटीमीटर। क्या आया, 960 सेंटीमीटर, जबकि आपको आंसर जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो मीटर में है। तो आप जानते हैं क्या कि मीटर में लाने के लिए 100 से भाग देंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग दीजिएगा तो 0 0 कट जाएगा, 0.1 अंक के बाद 9.6 मीटर, आपका आंसर हो गया 9.6 मीटर। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल है। बोला जा रहा है कि 3 ड्रमों में से क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध हैं, वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम में दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। अब ध्यान दीजिए, बड़ा से बड़ा बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा या अधिक से अधिक बोलता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, बात को समझिएगा, यहाँ पे 2527, 1653 और 2261 लीटर दूध है, सबसे बड़े माप का डब्बा कौन सा होगा जिसे पूरे डब्बे के दूध को, प्रत्येक ड्रम के दूध को माप सके। अब देखिए पूर्ण संख्या में माप सके, हम क्या करेंगे ना कि एचसीएफ निकालना होगा इसका, एचसीएफ जब निकालना होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने का तरीका आप लोगों को बताए थे कि सबसे छोटा संख्या कौन है, तो सबसे छोटा संख्या है आपका 1653, इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा है 2261, इसमें आप भाग लगाइए, एक मिनट तब लगेगा, 1653 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, यानी कि 608। 16 को हम यहाँ लेकर के आएंगे, अब इसको हम 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे तो हो जाएगा आपका 608 दूनी हो जाएगा 1216, भाग लगाइएगा इसमें, घटाइएगा इसको तो ये हो जाएगा 13 में से 6 गया तो 7, ये बचिए आपका 4 में से 1 गया तो 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4, 437। अब क्या करेंगे, 608 को यहाँ लेकर के आएंगे, फिर लगाएंगे एक मरतबे तो 437 उतरेगा, इसको घटाएंगे तो घटाने पर हो जाएगा 8 में से 7 गया तो 1, ये बच गया 10 में से 3 गया तो 7, ये 5 में से 4 गया तो 1, 171। अब क्या करेंगे हम, 437 को यहाँ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 171 दूना होता है, 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 हो गया, 7 दूनी 14 के 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, 342 कितना हो जाएगा, 342। 2 मरतबे लगाए हैं तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1,
और दो एक कम दो और एक तीन, ठीक है 342। इसको यदि हम घटाएंगे, बात को समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका सात में से दो गया तो पाँच, ये हो गया तेरह में से चार गया तो नौ, पंचानवे। अब ये क्या करेंगे, 171 को हम यहाँ लेकर के आएंगे, देखिए तो हम एक मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे तो ये पंचानवे की पंचानवे उतरेगा, ग्यारह में से पाँच गया तो छः, और यहाँ पे हो गया सोलह में से नौ गया तो सात। अब 76 हो गया, यहाँ पे पंचानवे लेकर के आ गए, फिर क्या करेंगे, एक मरतबे लगाएंगे हम लोग, तो ये 76 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 1 19, फिर 76 में भाग लगाएंगे तो 19 चौक 76, अब ये पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 19 होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा तो 19 होगा। देखिए आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट ऑप्शन से सभी वैल्यू को कटवा करके देख लेते, जो वैल्यू पूरा पूरा काट देता वही हमारा क्या हो जाता, एचसीएफ होता। तो कहेंगे क्या कि आपका आंसर हो जाएगा 19, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। आइए बाबू अगला सवाल है, किसी स्कूल में 391 लड़के तथा 323 लड़कियां हैं, कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान हो। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, किसी क्लास में बोल रहा है कि लड़के जो है, किसी स्कूल में लड़के जो हैं वो 391 गो हैं और लड़कियां जो हैं वो 323 गो हैं। बोला है क्या कि कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव हैं ताकि, बोला है कि प्रत्येक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान हो। समान का मतलब ये नहीं हुआ कि 20 गो लड़का हो तो 20 गो लड़की हो, ऐसा नहीं। समान का मतलब ये हुआ कि अगर एक क्लास में 20 गो लड़का और 5 गो लड़की है तो प्रत्येक क्लास में 20 गो लड़का और 5 गो लड़की ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 50 गो लड़का तो 50 गो लड़की, नहीं। मतलब आप समझ गए हैं कि जय गो लड़का एक क्लास में है उतना ही लड़का सब क्लास में, और जितना लड़की एक क्लास में उतना ही लड़की सारा क्लास में होनी चाहिए, इसको बोलते हैं प्रत्येक क्लास में बराबर बराबर। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे इस सवाल में बोला है क्या, आपको लड़का और लड़की के संख्या का मान दे दिया है कि लड़का जो है ना वो लड़का है 391 गो और लड़की है 323 गो, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्लास की संख्या की कितने क्लास संभव हैं, कम से कम कितने क्लास संभव हैं। यहीं पर इसी सवाल, ऐसे सवाल के लिए हम क्या कहते हैं कि कम से कम बोलता है, न्यून से न्यून बोलता है, तो हम एलसीएम तो निकालते हैं लेकिन 99% ऐसे सवाल जो है से 1% में लागू होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि सर ये 1% कौन सा होगा जिसमें हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, तो ऐसे टाइप के सवाल जिसमें देगा कुछ और पूछेगा कुछ और। जैसे आपको दिया लड़का और लड़की की संख्या और पूछ रहा है क्लासरूम का एगो संभव होगा, बताइए लड़का और लड़की से क्लासरूम का कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। क्लासरूम का कनेक्शन खाली बैठने के लिए है, लेकिन लड़का और लड़की की संख्या से क्लासरूम का कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए देगा कुछ और पूछेगा कुछ और, दिया हुआ है संख्या, पूछ रहा है क्लास की संख्या। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं, छोटी से छोटी कम से कम कहने के बावजूद भी। अब आइए तो हम क्या कहेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कम से कम क्लास कैगो संभव होगा, तो कम से कम क्लास तभी संभव होगा जब क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी बैठेगा। कम से कम क्लास तभी संभव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी एगो क्लास में बैठेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम के जगह पर आप ज़्यादा से ज़्यादा का भी प्रयोग कर सकते हैं कि कम से कम क्लास कब संभव होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एक क्लास में बैठेगा तभी कम से कम क्लास में उपस्थिति लगा सकते हैं सबका। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए, 391 और 323 है, 323 है, इसका आप सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने से आपको ये पता चल जाएगा कि एक क्लास में कितना बच्चा बैठाने का कैपेसिटी है। देखिए इसका हम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ निकालेंगे तो छोटा वैल्यू 323 है, इसमें क्या करेंगे हम 391 भाग देंगे 323 से 391 में, तो यहाँ पे एक मरतबा लगेगा तो 323 आ जाएगा। अब घटाएंगे 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 6। अब देखिए 68 हो गया, यहाँ पे 323 उतर जाएगा, इसको हम कैमर तभी लगाएं जो ये भाग लगे। तो सुनिए इसको यदि हम 5 मरतबे लगाते हैं तो 68 पचे हो जाएगा 340 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, 8 पचास 40 की जीरो हासिल 4, और 6 पचे 30 और 4 34, ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम 4 मरतबे लगाएंगे
तो चार मरतबे लगाएंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और छतरी 6 चौक 24 24 और 3 27 तो 272 हो गया। इसको घटाएंगे हम लोग तो 3 में से 2 गया तो 1, 12 में से 7 गया तो 5 51। अब क्या करेंगे 68 यहाँ लेकर के आएंगे हम लोग तो ये हो गया कितना आपका, तो ये हो गया एक मरतबे लगेगा 51 उतरेगा तो ये बच जाएगा कितना 17। फिर 51 यहाँ पे उतरेगा तो 3 मरतबे में 51 ख़त्म हो गया तो कहने का मतलब है कि एचसीएफ कितना हुआ 17 हो गया, एचसीएफ कितना हुआ 17 हुआ। तो अब हम कहेंगे क्या कि ये जो 17 जो आया एचसीएफ 17 जो आया वो क्या आया है, तो 17 जो आया कैपेसिटी आया, कैपेसिटी आया क्या कैपेसिटी आया कि एक क्लास में कितना बच्चा बैठ सकता है वो कैपेसिटी आया, मतलब एक क्लास में 17 को बच्चा अड़ सकता है। तो ये कैपेसिटी इन वन क्लासरूम, मतलब एक क्लासरूम में बैठने का कैपेसिटी है 17 को बच्चा का, एक क्लासरूम में बैठने का कैपेसिटी है 17 को बच्चा का। तो हमसे पूछा है क्या कि क्लासरूम कै गो संभव होगा, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि जो नंबर दिया हुआ है 391 और 323 ये दोनों को जोड़ करके टोटल संख्या को और जो कैपेसिटी है ना वो कैपेसिटी से भाग दे दीजिए। तो ये दोनों को जोड़िएगा आप तो हो जाएगा 3 और 1 4, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 714 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 17 से भाग देंगे तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 71 में से 68 जाएगा तो 3 बचेगा और 17 दूनी 34 यानी कि 42 गो क्लासरूम रहेगा ना तब जाके ये संभव हो पाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 42 क्लासरूम पॉसिबल होने चाहिए। आगे बढ़िए, आइए बाबू लोग आगे देखिएगा। अगला सवाल है कि एक दूध विक्रेता के पास 3 तरह का दूध क्रमशः 403 465 एवं 496 गैलन है, कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करें जिससे मिश्रित किए बगैर संपूर्ण दूध को पूर्णतः मापा जा सके। अच्छा बताइए, आपसे दिया हुआ है दूध का गैलन के बारे में दिया हुआ कि इतना गैलन दूध है और आपसे पूछ रहा है बोतलों की संख्या, तो कहने का मतलब है क्या कि दिया हुआ कुछ और है और पूछ रहा है कुछ और। तो ऐसे कंडीशन में एलसीएम की जगह पर हम एचसीएफ निकालते हैं। आइए देखिए इधर, तो हम कहेंगे क्या दिया हुआ है आपको 403 गैलन, 465 गैलन और 496 गैलन, इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो सुनिए इधर, सबसे छोट वैल्यू में उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू से भाग देंगे, तो सबसे छोटा वैल्यू 403 है, इससे बड़ा जो है वो 465 है। आइए एचसीएफ निकालने के लिए यही काम करते हैं। तो यहाँ से हो गया एक मरतबे लगेगा तो 403 उतर जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 6 के 6 ख़त्म, 403 यहाँ पे आया, कै मरतबे लगा दे, अगर हम 3 मरतबे लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और छतरी 18, 4 मरतबे लगाते हैं 62 को, यदि हम 4 मरतबे लगाते हैं तो 8 और 6 चौक 24 284 हो जाएगा, इसका मतलब आगे और लगेगा ये 62 को यदि हम 6 मरतबे लगाते हैं तो 2 हासिल 1 36 और 1 37 372 ये लग सकता है। अगर इसको हम 7 मरतबे लगाते हैं 7 दूनी 14 86 42 और 1 43 434 ये नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा ये, 6 मरतबे लगाइए इसको तो आपका आ जाएगा 372। तो 3 में से 2 गया तो 1, 10 में से 7 गया तो 3, 31 हो गया और 62 को यहाँ पे लाएंगे तो 2 मरतबे में 62 पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा यानी कि एचसीएफ हो गया आपका 31। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ जो आया वो 31 आया, तो 31 क्या है ये, तो हम कहेंगे क्या कि एगो बोतल में कितना गैलन अटने की क्षमता है वो है, कहेंगे क्या कि 31 गैलन ये कैपेसिटी आया है, क्या कैपेसिटी आया है, तो कैपेसिटी आया है कि 31 गैलन, 31 गैलन इन वन बोतल, इन वन बोतल यानी कि एक बोतल में जो है ना, एक बोतल में 31 गैलन अटने की कैपेसिटी है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ बोतल,
हमको निकालना है नंबर ऑफ बोतल, बोतल कितना होगा। तो हम कहेंगे क्या बात, अरे ध्यान दीजिएगा इधर, आपको दिया हुआ है 403, 465 और 496। इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे 31 से, इस सबको जोड़िएगा आप तो हो जाएगा 3 और 5 8 और 6 14 के 4, हासिल 1, 9 और 6 15, 15 और 1 16 के 6, हासिल 1, 4 4 8 4 12 और 1 13, आपका आ गया 1364। अरे ध्यान दीजिएगा इधर, तो 1364 जो आया इसमें हमको 31 से भाग देना है, तो 31 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, 31 चौका जो होता है ना वो होता है 124, तो 124 घटेगा तो फिर ये 12 बच जाएगा, फिर 124 में फिर से भाग देंगे 31 से तो फिर 4 बार में लग जाएगा, यानी कि 44 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 44। और ये क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ बोतल कहलाएगा, मतलब कि 44 को बोतल रहेगा ना तो ये सब जो है से पूर्ण रूप से इतना गैलन जो दिया हुआ है 403 गैलन, 465 गैलन, 496 गैलन, सभी पूर्णतः मापा जा सकेगा। कितना में, तो 44 को बोतल रहेगा तब। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि 21 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों, 56 नारंगी के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, उपरोक्त पेड़ को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। आपको दिया हुआ है पेड़ की संख्या और पूछ रहा है पंक्ति की संख्या, पेड़ की संख्या दिया हुआ है और पंक्ति की संख्या पूछ रहा है, तो वही काम करेंगे। 21 गो दिया हुआ है आम का पेड़, 42 गो है सेब का पेड़ और 56 गो है नारंगी का पेड़, ये सब का हम ACF निकालेंगे ना, तो ACF हो जाएगा 7, ACF क्या होगा 7, तो 7 क्या हुआ, तो कहेंगे कि 7 गो पेड़ एक रो में एक पंक्ति में संभव है। कहेंगे क्या कि 7 ट्री इन 1 रो, 7 ट्री इन 1 रो, 1 रो एक पंक्ति में 7 गो पेड़ संभव है। अब बताइए हमको निकालना है नंबर ऑफ रो, हमको निकालना है नंबर ऑफ रो, पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रो पंक्तियों की संख्या। तो क्या करेंगे, इस सभी को आपस में जोड़ करके, सभी को आपस में जोड़ करके और जो ये कैपेसिटी है ना, जो वैल्यू है उसे भाग दे दीजिए। ऐसे भी भाग दे सकते हैं, जोड़ के भी भाग दे सकते हैं। ऐसे दीजिएगा तो 7 * 21 = 42, 7 * 8 = 56, 8 * 6 = 14 + 3 = 17, आपका आंसर हो जाएगा कि 17 को रो होना चाहिए, 17 को पंक्ति होना चाहिए। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, किसी वाहन के आगे और पीछे के पहियों की परिधि क्रमशः 3.5 मीटर और 3 मीटर है। यदि वाहन की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या पूर्णांक में होगी। आइए देखिए इधर, करना क्या है आपको, आगे और पीछे की पहियों का दिया हुआ है परिधि, परिधि दिया हुआ है 3.5 का और एगो परिधि है 3 का। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा, परिधि का मतलब हो गया ये लंबाई, लंबाई कहिए दूरी कहिए परिधि कहिए एक ही बात है। अब देखिए आपको दूरी दे दिया है और इसका चाल दे दिया है, चाल है 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या समय निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहलुका जो है से उसका समय निकलेगा, समय कैसे निकलेगा, समय निकलता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है 3.5 मीटर दूरी, इसका चाल है 15 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, दशमलव हट गया 0। अब देखिए 5 से काटेंगे 7 बार में और 5 से काटेंगे इसको 30 बार में, ठीक है, तो ये हो गया 7/30 सेकेंड। अब देखिए ये जो परिधि है दूसरा सब का, इसका समय निकालेंगे इस परिधि से, यानी ये दूरी हो गया आपका, दूरी हो गया 3 मीटर और चाल है 15 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया आपका 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। तो कहने का मतलब है क्या कि आपका वैल्यू है 7/30 और 1/5, इसका हम निकालेंगे LCM। तो LCM का रूल होता है भिन्न वाले सवाल में, फ्रैक्शन वाले सवाल में, कि ऊपर वाला का निकालिए LCM और नीचे वाला का निकालिए SCF, तो 7 और 1 का LCM हो जाएगा 7, और SCF देखिए 5 और 30 का SCF हो जाएगा 5, क्योंकि 5 30 को पूरा पूरा काट देती है, तो 5 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1.4 सेकेंड, यानी कि 1.4 सेकेंड में जो है वो पूर्णांक में चक्कर लगा लेगी, चक्करों की संख्या पूरा पूरा हो जाएगी। आगे बढ़िए,
आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि एक रेजिमेंट में कम से कम सिपाहियों की संख्या क्या होगी जो ऐसे खोखले बीच में रिक्त वर्ग के रूप में खड़े किए जा सकते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा के साथ गहराई में यानी कि भीतर की ओर 8, 10, 12 अथवा 15 सिपाही हैं। बोला है कि तथा उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी खड़े किए जा सके, ठोस वर्ग के रूप में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में भी इसको खड़े किए जा सकते हैं। आइए देखिए इधर बात को समझिएगा। यहाँ पे तो दिया हुआ है सिपाही की संख्या दिया हुआ है 8, 10, 12 और 15 सिपाही हैं। तो अब बताइए इसका यदि हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम निकालेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे। तो एलसीएम का तरीका होता है कि 2 के क्यूब 8 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 12 को लिखेंगे हम 2 के स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12 और 15 को लिखेंगे हम लोग 3 × 5। तो कहने का मतलब है कि एलसीएम का रूल होता है कि सभी बेस को लिख लीजिए लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखिए। 2 लिखना है तो 2 की पावर लिखिए 3, सबसे बड़का पावर 3 है, 3 का कुछ पावर नहीं है, 5 का कुछ पावर नहीं है। तो कहेंगे क्या कि 2 के क्यूब 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120। तो ये 120 जो आया है क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। पूर्ण वर्ग का कंडीशन होता है क्या, आप लोग को जब हम एगो वीडियो बनाए हैं बहुत पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बताए थे प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर में कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर कभी भी सिंगल जीरो नहीं आता है, लास्ट में कभी भी सिंगल जीरो नहीं आता है, डबल जीरो आता है। यहाँ पे तो सिंगल जीरो है ना, ये पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकती। तो क्या करेंगे हम लोग, बात को समझिए, 120 को हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, बात को समझिए। 2 से भाग लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग में जो होता है वो दो दो का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो जोड़ा बनेगा, देखिए वो ये जोड़ा हो गया, इसको जोड़ा बनाने के लिए इसमें एगो दो से और हमको गुना करना पड़ेगा, इसको जोड़ा बनाने के लिए हमको एगो तीन से और गुना करना पड़ेगा, जोड़ा बनाने के लिए एगो पाँच से और गुना करना पड़ेगा। मतलब गुना करना पड़ेगा 120 में हमको एगो दो, एगो तीन, एगो पाँच, यानी कि द्वितीय 6, 6 × 5 = 30 से, यानी 120 में यदि हम डायरेक्ट 30 से गुना कर देंगे ना तो 12 × 36 360 पड़ेगा 0, यानी कि 3600 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट आपका आज एलसीएम और एसएफ का कंडीशन ख़त्म हो गया। आगे फिर दूसरे चैप्टर को हम लेकर के आएंगे और जो भी चैप्टर लाएंगे उसको हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार खाली बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।